Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope that you will be fine. Today we are going to read second paragraph in grade 9 English subject, grade 9 English unit number 9 on page number 85, The Fantastic Shoemaker. So let's start its reading and translation. The shoes that Zaringul made, the shoes joote that Zaringul made, जो ज़रिंगुल ने बनाई, फेल टू फिट इन द फीट, यानी पैरों में फिट आते थे. द शूज़ जूते दैट ज़रिंगुल मेड, जो ज़रिंगुल बनाता था, नेवर फेल टू फिट इन द फीट, वो पैरों में बिल्कुल फिट आते थे. मतलब फेल टू फिट मतलब कभी भी वो ऐसे जूते वो नहीं बनाता था जो पैरों में नहीं आते थे, समा सकते थे. वो ऐसे जूते बनाता था जो पैरों में बिल्कुल फिट आते थे. एंड दे लास्टेड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली लॉन्गर देन यूजुअल, और आम जूतों से वो ज़्यादा देरफा होते थे. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली means ज़्यादा, longer एक adjective है, इसकी मानी है देरफा. और वो आम जूतों से ज़्यादा देरफा होते थे. To make shoes जूते बनाना, such shoes as he made, वो ऐसे जूते बनाता था, seem to me then and seem to me now, जो कि मुझे लगता था तब और आज. सीम टू मी देन, मुझे लगता था तब, लगता था, एंड नाउ और अब, और अब. मिस्टीरियस एंड ऑफुल, मिस्टीरियस अनोखे या अजीब. वंडरफुल मीन्स अजीब और गरीब. टू मेक सच शूज़, ऐसी जूती बनाना, सच शूज़ एज ही मेड, और वो ऐसी जूती बनाता था, सीम टू मी, जो मुझे लगता था, दिन तब, एंड सीम्स टू मी नाउ, और मुझे अब लगता है, मिस्टीरियस अनोखे एंड वंडरफुल और अजीब व गरीब. आई स्टिल रिमेंबर माई हेजिटेंट रिमार्क्स, मुझे अब भी अपने हिचकिचाने वाले अल्फाज याद है. हेजिटेंट मीन्स हेजिटेंट, हिचकिचाने वाले हेजिटेंट रिमार्क्स. तबसरे या बयानात, बस लेकिन यहां पर इसकी मानी है अल्फाज. आई स्टिल रिमेंबर माई हेजिटेंट रिमार्क्स, मुझे अब भी हिचकिचाने वाले अल्फाज याद है. वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट, उसकी तरफ अपनी जवानी का पैर बढ़ाकर, यानी उसकी तरफ अपनी जवानी का पैर बढ़ाती हुई, मुझे अब भी अपने हिचकिचाने वाले अल्फाज याद है. इजंट इट ऑफुली हार्ड टू मेक शूज़ इन सच टफ कंडीशन, इजंट इट ऑफुली, क्या ये नहायत मुश्किल नहीं है, टू मेक शूज़ जूते बनाना, इन सच टफ़ कंडीशन, इस तरह की मुश्किल हालात में जूते बनाना नहायत मुश्किल नहीं. ऑफुली मीन्स नहायत. टफ कंडीशन मुश्किल, क्या इस तरह की मुश्किल हालात में जूते बनाना मुश्किल नहीं. द सर्पेंटाइन रिंकल्स रिगल्ड ऑन ए स्माइलिंग फेस, द सर्पेंटाइन रिंकल्स, सर्पेंटाइन सांप की तरह बल काता हुआ, द सर्पेंटाइन रिंकल्स, रिंकल्स मीन जूरिया, शिकन
या शिकन। द सरपेंटाइन रिंकल्स रिगल्ड, और सांप की तरह बल खाती हुई जूरिया या शिकन रिगल्ड आने स्पेस स्माइलिंग पेस, यानी रिगल्ड आने स्माइलिंग पेस उसके मुस्कुराती हुई चेहरे पर बन गए, शिकन बन गई, शिकन बन गई। रिगल्ड मीन्स शिकन बनना, रिगल्ड शिकन बनना। उसके द सरपेंटाइन रिंकल्स रिगल्ड आने स्माइलिंग पेस, सांप की तरह बलकाती हुई जूरिया उसके मुस्कुराती हुई चेहरे पर बन गई। एंड ही आंसर्ड, और उसने जवाब दिया, इट इज एन आर्ट, ये एक हुनर है, एक फन है। आर्ट मीन हुनर या फन। जरिंगुल रिमार्क्स अबाउट शूज मेकिंग, जरिंगुल के अल्पाज या तबसेरे, रिमार्क्स मीन्स तबसेरे, जरिंगुल के रिमार्क्स यानी तबसेरे या अल्पाज अबाउट शू मेकिंग, यानी जूते की बनावट के बारे में, जूते की बनाने के बारे में। एंड दियर सूटेबिलिटी टू डिफरेंट पीपल, और मुख्तलिफ लोगों के लिए उसकी मौजूनियत। वर्सो अथॉरिटेटिव, इतना इख्तियाराना। एंड फाइनल, और हतमी था, That nobody dared to reject them, कि कोई भी उससे इनकार करने की जुरत नहीं कर सकता था। Reject means इनकार करना, reject इनकार करना, कि कोई भी उससे इनकार करने की जुरत नहीं कर सकता था। My father, मेरा बाप, दो अगरचे chieftain of the area, इलाके का सरदार था। chieftain means सालार या सरदार, जो कि इलाके का सरदार था। वुड एक्सेप्ट हिज व्यूज, उसके राय को, उसके तबसरों को एक तस्लीम करता था। अबाउट ए पार्टिकुलर पेयर ऑफ शूज, एक खास किस्म की जूती के बारे में। विद ब्रिस्क नोड, यानी फौरन जल्दी से। ब्रिस्क नोड, ब्रिस्क मीन्स फौरन, नोड सर हिलाना, इकरार में सर हिलाना। एक नोड होता है और एक शेक होता है। नोड इकरार में सर हिलाना, और शेक इनकार में सर हिलाना, शेक इनकार में सर हिलाना। माय फादर, मेरा बाप, दो चीफटेन ऑफ द एरिया, जो कि इलाके का सरदार था। वुड एक्सेप्ट हिज व्यूज अबाउट ए पार्टिकुलर पेयर ऑफ शूज, एक खास किस्म की जूती के बारे में उसके राय को कबूल करता था, फौरन कबूल करता था। विद ब्रिस्क नोड मींस फौरन कबूल करता था, फौरन तस्लीम करता था। इट्स इनफ फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, टुमारो वी विल कम विद अनदर क्लास, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।